Assalamualaikum, नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ, दुआ करती हूँ आप सब भी अच्छे रहें। तो आज मैं होम डेकोर मीशो हॉल लेकर आई हूँ आपके पास, और ये जो मैंने आइटम सिलेक्ट किए हैं काफ़ी ट्रेंडिंग है, आपको देखने में बहुत पसंद आएंगे और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में भी है। तो एक्चुअली मैंने मेरे पिछले 5 पार्ट्स मैंने रैंडम फाइंड्स के बनाए हैं, तो आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम रैंडम फाइंड्स, और ये मैं व्लॉग लेकर आई हूँ, होम डेकोर व्लॉग। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, आखिरी तक ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं शुरू करूँगी मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग करना प्रोडक्ट। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं कोई बॉक्स आजकल नहीं ओपन करती हूँ, आपके सामने ही ओपन करती हूँ ताकि आपको पता चले कि मीशो की पैकिंग कितनी अच्छी हो गई है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। ओके, ये देखो, इसी में एक और पीस आया है, ये भी काफ़ी वायरल है मीशो में, आपको मालूम है ये शो पीस। मैं दूसरा भी जल्दी से ओपन कर लेती हूँ, आई विल शो यू। तो ये दो का सेट आएगा, बारात में जो म्यूजिक प्ले करते हैं म्यूजिशियंस है ये, बारात में जो म्यूजिक प्ले करते हैं, तो एक के हाथ में शहनाई है और एक के हाथ में ढोल है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पीस, मेटल का दोनों पीस है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, और स्पेशली जो इन्होंने ये पेंट किया है, दिस पेंट इज़ वेरी नाइस। तो ये कुछ अराउंड मुझे 300 या 330 के अराउंड मुझे मिला है। तो आई लाइक इट, मतलब आप डेकोरेशन के लिए कहीं भी आप इसको अपने शोकेस में या टेबल पे या साइड टेबल कॉर्नर्स पे सेट कर सकते हो। काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स है जो यूज़ किया है, तो मुझे पसंद आया, मेरी तरफ से थम्स अप फॉर दिस। तो ये हमारा आइटम नंबर सेकंड, तो इसको भी मैं जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। एक्चुअली आज मैंने थोड़ा सा मेरा सेटअप चेंज किया है कैमरा, मैं ट्राई करके देख रही हूँ ये इस सेटअप में वीडियो कैसा लगता है। आप मुझे ज़रूर बताओ, अगर ये सेटअप में वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो डू कमेंट एंड टेल मी प्लीज़। तो ये है 3 का सेट है मेटल प्लांटर्स का, ये एक फर्स्ट प्लांटर है, अच्छा खासा साइज है इसका, और अगेन ये मेटल का है, गोल्डन कलर फिनिशिंग है इसकी जैसे आप देख रहे हो। इसके बाद एक सेकंड साइज आता है, ये सेकंड साइज है, ये देखो बहुत अच्छी फिनिशिंग है फ्रेंड्स इसकी, और ये सबसे छोटा क्यूट सा छोटा प्लांटर है, ये देखो वंडरफुल फिनिशिंग। और 3 आई डोंट नो मैं पकड़ पाऊंगी नहीं, तो ओके ये 3 का आपको सेट मिल जाता है, बहुत अच्छा है। और मैंने आगे प्लांट्स भी मंगाए हैं, मैं वो रख के पक्का आपको एक वीडियो अटैचमेंट डालूंगी। क्वालिटी वाइज एक्सीलेंट, अगेन दिस इज आई थिंक आई गॉट इट फॉर 350 और समथिंग, तो 350-370 के रेंज में नॉट अ बैड प्रोडक्ट टू बाय, मुझे बहुत पसंद आया है। अगेन आप ये अपने लिविंग रूम में और कोई भी डाइनिंग एरियाज में आप इसको सजा सकते हो, नेचुरल प्लांट्स भी रख सकते हो और आर्टिफिशियल प्लांट्स भी इसमें रख सकते हो। अगेन मेरी तरफ से थम्स अप फॉर दिस। ये है हमारा आइटम नंबर 3, जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इस बार पैकेज भी काफ़ी सारे मेरे पास रिसीव हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले से ही बोला है काफ़ी आइटम्स मैं मंगाती रहती हूँ, तो जैसे जैसे रिसीव होगा मैं वीडियोस बनाऊंगी। रैंडम फाइंड्स के एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी 5 वीडियोस बनाए हैं, तो आई हैव जस्ट टेकन अ ब्रेक, फिर कंटिन्यू करूँगी। तो ये तो मीशो का क्या बोलते हैं स्टार प्रोडक्ट है। तो ये है मैक्रम पॉट होल्डर है, ये देखो सो ब्यूटीफुल दिख रहा है आपको,
पास ला के दिखाती हूँ, कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग है, ये कितने अच्छे इन्होंने नीचे टैसल्स टाइप एकदम बंच है ये। एंड सी दिस मैक्रम का ये जो इन्होंने ये वर्क, ये गूंदा है कितना अच्छा है। और ये आपको अटैच करने के लिए चार की स्ट्रिंग मिलती है, ये फोर है, और ये अटैच करने के लिए आपको रिंग मिलता है, आप कहीं भी इसे अटैच कर सकते हो। तो वेरी नाइस, ये भी काफ़ी रीजनेबल मिला, अराउंड 200 रुपीज़ आई गॉट इट। तो इसके साथ मैंने अंदर फ्लावर प्लांट एक मंगाया है, वो भी मैं आपको अभी अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। तो ये होगा हमारा आइटम नंबर 6, सॉरी 4, आइटम नंबर 4। तो ये तो सब ने आपने देखा ही होगा, ये मुझे कब से मंगाना था। तो ये मैंने प्लांट मंगाया है, ये देखो, साथ में आपको पॉट भी मिल जाता है। और ये अंदर इन्होंने, ये प्लास्टिक का है और अंदर शायद सीमेंट या कुछ इन्होंने भर के रखा है और इसमें इसको अटैच किया है, तो ये गिरने का सवाल ही नहीं होता। और आप उसको ऐसे खड़ा करेंगे तो ये लीव्स ऐसे बेल नीचे आएगी। तो ये मैंने इसके लिए ही मंगाया है, तो इसमें मैं ऐसे डाल देती हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए। ये देखो, इसको आपने ऐसे हैंग करना है, बहुत प्यारा है, इसको बहुत खोलना। अभी मैंने आपके सामने अनबॉक्सिंग की है, तो लीव्स टैंगल्ड होके हैं, बट इट्स अ वेरी लवली प्रोडक्ट। दिस आई गॉट इट फॉर 250 और 270 लाइक दैट। सी, तो इसका लुक कुछ ऐसे आएगा, आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो मेरी तरफ से दोनों को डबल थम्स अप। तो ये हमारा आइटम नंबर 5। ये भी मैंने कुछ प्लांट्स मंगाए हैं, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। ये मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में भी मंगाए थे, काफ़ी हैंडी होते हैं यूज़ में। आप कोई भी, अब जैसे मैंने छोटे प्लांटर्स मंगाए हैं ये वाले, तो इनके लिए मैंने ये प्लांट्स मंगाए हैं, देखते हैं ये कैसे आए हैं। ओके, तो इसमें ये अलग दिया है इन्होंने, इनका पॉट्स और फ्लावर्स अलग हैं। ये सारे फ्लावर्स आए हैं, फ्लावर्स और एक एक दो ग्रीन ग्रास के भी सेट है। तो इनको क्या करना है, हमने ऐसे प्लॉट्स में, ऐसे पॉट्स में इनको हमने फिट कर देना है। इसके ये रहेगा ना, स्पंज नहीं दिया इन्होंने इसमें। एक्चुअली आपको दो तीन जल्दी से अटैचमेंट लगा के दिखा देती हूँ। पहले मुझे लग रहा था स्पंज नहीं आया है, बट इसका तरीका अलग है, यू हैव टू पुश इट हार्ड इनसाइड। ये देखो, तो ये दो हो गया, तो ऐसे मेरे को कितने मिले, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक्चुअली इन्होंने क्या किया ना, छोटे से बॉक्स में इतना सबको एकदम अंदर पैक कर दिया। तो अगर ये सप्लायर्स अगर गलती से वीडियो देखते हैं, तो कीप इन माइंड प्लीज़, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स ले लो आप, इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो हमको सही तरीके से मिल जाए। ये देखो, ये भी मैंने लगा दिया है, तो अब मैं आपको इनमें रख के दिखाती हूँ। ये देखो हाउ इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल, नहीं? तो इसको मैं इसमें रख देती हूँ, ये दूसरा है ना, और तीसरा वाला शायद ये हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, बड़ा है ना काफ़ी। ओके, ये है तीसरा, इसमें आप थोड़ा बड़ा प्लांट डाल सकते हो। तो मुझे तो बहुत पसंद आए हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और आपको अराउंड ये भी 250-230 के इसमें 8 मिल जाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड डील। तो मेरी तरफ से अगेन थम्स अप फॉर दिस। तो नेक्स्ट हमारा ये आइटम है, मैंने बोला है काफ़ी सारे पैकेट्स भी आए हैं, तो मैंने काफ़ी कुछ मंगाया था, देखते ये क्या है। ठीक है, तो ये होम डेकोर में मैंने ले लिया है ये प्रोडक्ट भी अभी, क्योंकि ये हम ऑर्गेनाइजर्स हैं जो हर घर में हर लेडी को ज़रूरत पड़ती है, हम सबकी ज़रूरत होती है। 6 का सेट मिला है, 2 पीस ब्राउन कलर में आते हैं, ये देखो ये ब्राउन कलर में है, मैं ओपन करके बताऊंगी जिप इनका। और ये दो आए हैं ब्लू कलर में, फ्लावर्स प्रिंट है इस पर, और ये दो पिंक कलर में आए हैं। तो दिखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, और देखो कितना अच्छा खासा बड़ा भी है। ये देखो आप कितना बड़ा, मतलब आराम से मेरे ख्याल से इसमें 5-6 साड़ी तो आराम से हमारी बैठ जाएगी।
या आप ड्रेसेस इसमें आराम से 4-5 ड्रेसेस रख सकते हो। और जिप देखो, ये देखो ये जिप की क्वालिटी है, दिस इज एक्सेलेंट। अंदर से काफी स्पेशियस है ये, देखो कितना एकदम झोला टाइप है। तो हमने अंदर साड़ीज डालने हैं और इसको वापस से आपने जिप कर लेना है, तो हमारे सारे कपड़े जो है वो एकदम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। क्वालिटी तो बहुत अच्छी लगी मुझे, कलर्स भी काफी प्यारे हैं, और मेरी तरह आप सब रिजेम्बल करोगे कि हमारे कभी भी साड़ीज ड्रेसेस कभी भी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। तो ऐसे अगर हम हैंडी पाउचेस ले लेंगे तो हमारे कपड़े भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और हमको भी जरा क्या बोलते हैं ना, दिल को सुकून मिलेगा जब हम अपना वार्डरोब खोलेंगे। बिकॉज हम सारे घर का काम करते हैं, सारे घर की सफाई करते हैं, किचन की सफाई करते हैं, बट हमारे कबर्ड हमेशा मेसी रहते हैं। तो मेरी तरफ से अ बिग थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट, एंड आई गॉट दिस प्रोडक्ट, मुझे ये अराउंड 200 के रेंज में ही मिल गया है, 180 या 200 रुपीज़। तो आप ये ज़रूर से लेना, 6 का सेट है, थम्स अप फॉर दिस। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जल्दी से देखते हैं इसमें क्या है। और अगर आप प्लीज़ अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सोचते होंगे हर वीडियो में यही बोलती रहती है, बिकॉज इतनी मेहनत करती हूँ मैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है, ओके वाओ वेरी नाइस। तो ये मैंने मंगाया है, प्लांटर है ये अगेन, तो ये हैंगिंग प्लांटर है। तो यहाँ पे आपको स्क्रू के लिए इन्होंने हुक दिया है यहाँ पर, तो 3 आप प्लांट्स इस पे हैंग कर सकते हो, 1, 2 और ये 3। तो ये 3 प्लांटर्स दिए हैं हमको, ये से हमने 3 इसके सॉकेट में लगा लेना है। ये देखो मेटल का है सब, और जो मैंने अभी आर्टिफिशियल आपको दिखाया, मैंने जो फ्लावर्स मंगाए हैं, ये देखो इसको बीच में ऐसे इसमें रख दिया। जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये चीज़ें बहुत हैंडी है यूज़ में, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत प्रिटी दिखते हैं। ये देखो, टेल मी ऑनेस्टली, इट्स लुकिंग सो प्रिटी, क्वालिटी इज एक्सीलेंट और साइज भी काफ़ी अच्छा है। इसे आप अपने एंट्रेंस पे रख सकते हो, एंट्रेंस डोर पे लगा सकते हो, कहीं भी आप इसे लगा सकते हो, इट विल लुक ब्यूटिफुल। तो ये अराउंड 350 या 370 मुझे पड़ा है, जो भी प्राइजेस है आपको ऊपर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और हो सकता है प्राइजेस थोड़े कम ज़्यादा होते हैं मीशो पे, मुझे शायद सस्ता मिला हो, अभी थोड़ा महंगा हो, बट इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड डील। आप लोग ज़रूर से ये प्रोडक्ट खरीदना, मेरी तरफ से थम्स अप फॉर दिस आइटम। ये हमारा नेक्स्ट आइटम है, हेवी है काफी, जल्दी से देखते हैं इसमें क्या है। तो ये मैंने मंगाया है प्यारा सा वुडन टेबल, छोटा सा टेबल, आओ ये टेबल है, हाफ फोल्डेड है, तो इसको हम जल्दी से सीधा कर लेते हैं। आपने कैसे करते हैं यार, ओके हो गया। ये है टेबल, साइज देखो छोटा सा है, क्यूट सा है, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम भी नहीं, इट्स लिटिल स्मॉल ओनली, स्टूल काइंड, तो बहुत प्यारा है। तो ये मैंने मेरे रूम में किसी कॉर्नर पे रखने के लिए मंगाया है, इसके ऊपर मैं कुछ भी प्लांटर्स ऐसे मैं शो के लिए रख दूंगी, तो इट विल लुक वेरी नाइस। ये देखो कितना प्रिटी है, आप सामने से देखो, क्वालिटी इज़ वेरी गुड, वुडन क्वालिटी, और ऐसे बोलते ना रफ फिनिशिंग नहीं है, ये रफ फिनिशिंग नहीं है कि हमारे उंगली या हाथ में कहीं चोट लग जाए। तो अ वेरी गुड प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छा मजबूत है, ये देखो मैं मार रही हूँ इस पर, काफ़ी मजबूत है। तो ये अराउंड 300 के अराउंड मुझे पड़ा है, तो मेरी तरफ से थम्स अप फॉर दिस आइटम।
ये हमारा नेक्स्ट आइटम है। ये मेरे ख्याल से मैंने फोटो फ्रेम्स मंगाए हैं, फोटो फ्रेम्स नहीं है, कोट्स जो लिखे सीनरीज है, यस ये वही है शायद। तो ये चार का सेट है, चार इसमें फ्रेम्स आते हैं। ओहो हेलो हेलो मम्मा, ये मेरा टाइशू है, टाइशन मम्मा को डिस्टर्ब कर रहा है वीडियो बनाने। टाइशू तो मैं इसे जल्दी से ओपन करके आपसे फिर मिलती हूँ। तो ये चार के वुडन फ्रेम्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये वुडन ही है, साइड में भी आपको वुडन फ्रेम टाइप मिलता है। ये देखो ये पीछे आपको हैंग करने के लिए इसका हुक भी मिलेगा। तो इसमें लिखा है एवरीथिंग विल बी ओके। और ये नेक्स्ट है सेल्फ केयर इजंट सेल्फिश, वेरी ट्रू। तो ये सेकंड फ्रेम है, क्वालिटी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। कोई भी एक वॉल जैसे हमको कुछ कवर करना है, कोई वॉल को डल वॉल है उस पर आप ऐसे लगा सकते हो चारों। इस पे लिखा है लेट्स एंजॉय टुडे, सो दिस इज द थर्ड फ्रेम। और फोर्थ में है नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो आप साइज देखो, अच्छा मीडियम साइज का है, छोटा नहीं है और क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पे पूरा इन्होंने टेप लगा रखा है फिनिशिंग, और अच्छी है, डिसेंट फ्रेम्स हैं, मुझे अच्छे लगे। तो ये तो काफ़ी सस्ते ही मिले थे, अराउंड 200 या 220 के। तो मेरी तरफ से ये फ्रेम्स के लिए थम्स अप। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके तो ये बहुत प्यारा सा क्यूट सा आर्टिफिशियल प्लांट है, साथ में आपको नीचे पॉट के साथ मिलेगा। ये देखो तो इसको थोड़ा सा आपने स्प्रेड कर लेना है, ये अंदर बहुत नैरो बॉक्स में आते हैं ना ये आर्टिफिशियल प्लांट्स, तो काफ़ी सिकुड़ से जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने इसको फैला लेना है। लीव्स क्वालिटी इज एक्सीलेंट, पेपर टाइप नहीं है, अच्छी प्लास्टिक है, और ये डिसेंट साइज का आपको पॉट भी मिल जाएगा। तो अगेन आप कहीं भी रख सकते हो, मुझे तो बहुत पसंद आया है, जैसे यहाँ रख दिया इसमें, ये देखो मैंने इसमें रख दिया इसको। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 170-180 रेंज में है। तो मेरी तरफ से थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, तो ये मैंने मंगाए हैं कुशन कवर्स, ब्यूटीफुल कवर्स है, क्या वाइब्रेंट कलर्स है। ये देखो ये ऑरेंज कलर में है, सिल्क मटेरियल है इसका, काफ़ी अच्छा क्वालिटी आया है। दिस इज़ अ जिप, आप अंदर से आपका कुशन डालो, 16x16 का साइज है इसका। तो ये ऑरेंज कलर है, नेक्स्ट मैं आपको कलर दिखाती हूँ। वाओ सो प्रिटी सी, दिस इज क्रिम्सन रेड कलर, वेरी नाइस। और फिर इसके बाद आता है वाओ सी द वर्क, इसका बूटी वर्क देखो, सो ब्यूटीफुल। तो ये कलर आएगा थर्ड, ये ऑरेंज है, वो मस्टर्ड कलर था, दिस इज ऑरेंज। और ये अगेन इस प्रिंट में है, ये सी ग्रीन कलर में। तो मतलब तीन हमको, दो हमको ये प्रिंट में मिलते हैं और तीन हमको ये प्रिंट में मिलते हैं, लवली फ्रेंड्स। ये तो बहुत सस्ता मिला है मुझे, आई थिंक 170 या 200 के अंदर मुझे मिला है, एक्सीलेंट क्वालिटी, कुशन कवर्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरी तरफ से डबल थम्स अप फॉर दिस। ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, काफ़ी बड़ा है जिसे आप देख रहे हो, और इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। एक्चुअली मेरे पुराने हॉल में भी आने वाला था ये, बट ये डिलीवरी हुई नहीं थी,
ब्रिटेन चले गया था, तो अभी मुझे दे दिया है। बहुत अच्छा लगा, मुझे डिलीवरी मिल गई इसकी। लेकिन मैं थोड़ी सी स्कैर्ड थी, पता नहीं इस बार भी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मीशो के जो भी हॉल्स बनाते हैं उनके पास ये प्रोडक्ट तो कंपलसरी आपने देखा ही होगा। तो ये मैं एक एक करके आपको पहले दिखाती हूँ। मैंने ऑर्डर किया एक टेबल लैम्प, साथ में ये आपको बल्ब मिलेगा, और ये इसका लैम्प फ्रेम। तो यहाँ पे हमने बल्ब को ऐसे इसके अंदर आपने बल्ब को लगा लेना है। दिस इज कॉमन थिंग, एवरीबडी नोज इट हाउ टू पुट बल्ब। तो इसके साथ में ये तीन वुडन हमको स्टैंड्स मिलेंगे। ये बड़ा वाला नीचे है, ये सेकंड है, और ये छोटा वाला उसके ऊपर आएगा थर्ड। और बीच में ये इन्होंने वुडन पैनल्स दिया है, और आप इसमें कुछ भी डेकोरेशन के आइटम्स रख सकते हो जो भी आपको पसंद है। इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, शो का शो हो जाएगा। और लैम्प तो बहुत ब्यूटीफुल है, सबको मालूम है। और यहाँ पे इन्होंने नेल्स के लिए यहाँ पे होल्स दिए हैं। तो नेल्स तो अवेलेबल नहीं है साथ में, शायद हमको ही स्क्रू करना पड़ेगा नेल्स लेके, तो ये फिक्स हो जाएगा। तो मुझे बहुत पसंद आया है आइटम, आप देखो बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये अराउंड मुझे 1050 रुपीज़ में मिला है, काफ़ी मीशो का जब सेल चल रहा था, अदरवाइज दिस इज़ अराउंड 1500 और समथिंग, तो मुझे काफ़ी डिस्काउंट में मिल गया है। तो अभी का क्या प्राइस है मैं डिस्प्ले कर दूंगी आपको स्क्रीन पे, आप देख लेना। तो मेरी तरफ से अ परफेक्ट लैम्प, अ परफेक्ट प्रोडक्ट, आप ज़रूर इसे लीजिए अपने घर के लिए, मुझे बहुत पसंद आया है। तो अ डबल थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। तो आज के लिए, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए हैं, काफ़ी अच्छे और रीजनेबल प्राइस के मैंने सिलेक्ट किए हैं। लैम्प है जो अराउंड 1050 गया, रेस्टोल इज बिलो 350 ओनली। तो मुझे बहुत पसंद आए हैं, काफ़ी हमारे घर की ब्यूटी एनहांस करेंगे। और बस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, और दुआ में मुझे हमेशा याद रखो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर नियर एंड डियर वंस। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, दुआ में मुझे ज़रूर याद करें। एंड एज यूजुअल प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।